अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ लोकल अंसारी। मेरठ में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, आखिर कब इन बदमाशों पर लगाम लगेगी। अभी तक सिर्फ छात्रों के साथ मारपीट और हत्या के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब तो जैसे हद ही हो गई है। आज एक छात्रा भी इन बदमाशों का शिकार हो गई। दरअसल मामला मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र का है, जहां कृषक इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली 11वीं कक्षा की निकिता बस में अपने घर जा रही थी, तभी राजन नाम का आरोपी बस में बैठी निकिता को दिन दहाड़े गोली मारकर फरार हो गया। छात्रा को गंभीर रूप से पीठ पर गोली लगी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने पीड़ित निकिता को मेरठ रेफर कर दिया है। आरोपी राजन निलोहा निवासी है, जबकि घायल निकिता फलावदा थाना क्षेत्र के पिलोना गांव की रहने वाली है और ये घटना मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के फलावदा रोड पर घटी है। देखिए पीड़िता की कुछ तस्वीरें। इस बारे में मवाना सीओ आशीष शर्मा ने यह जानकारी दी। अभी सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की है निकिता नाम की, जाट कॉलेज में पढ़ती है, उसको बस में वो अपने घर जा रही थी, उसको एक लड़का जिसका नाम राजन है उसने पीछे से उसकी गोली मार दी है और इस संबंध में जो है अभियुक्त फरार है और बच्ची का इलाज चल रहा है और मुकदमा पंजीत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या मामला सर, क्यों मारी गई? कुछ सामने ये आ रही है बातें कि कुछ लड़की जो है पहले से बातचीत करती थी, उसी में हो सकता है कि कोई बात हो गई हो, जो भी हम लोग विवेचना के दौरान सामने आएगी। क्या है ये लड़की कृषक इंटर कॉलेज में 11th में पढ़ रही है। बस में बैठ के गोली मारी गई? हाँ, बस में मारी गई। अभी के लिए इतना ही, देखते रहे फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।